14 सूत्रीय मांगों को लेकर निर्दलीय बलजीत यादव ने लगाई दौड़। बहरोड़ के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अलवर के मुंडावर उपखंड में पहुंचकर पंचायत समिति से लेकर मुंडावर थाने तक काले कपड़े पहनकर लगाई पैदल दौड़। इस दौरान सरपंच संघ प्रदेश महासचिव वीरू पंडित ने धर्म कांटे के पास साफा का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। क्या है मांगे देखिए। ये राजस्थान के 36 कौम के युवाओं की मांग है, तो मेरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। किसान का बुरा हाल है, किसान के बेरोजगार बेटे का बुरा हाल है, इसलिए सरकार तुरंत 5 लाख भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे और पेपर लूट में शामिल हैं जो लोग, ये वैसे छोटी मोटी सजा से रुकने वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों का एनकाउंटर करे ताकि इनमें डर पैदा हो, पूरे पेपर लीक जो लीक होने वाली घटनाएं ये रुकें। और राजस्थान की सरकार जैसे 22 राज्यों ने कानून बना के सारी नौकरियां अपने अपने स्टेट के लिए रिजर्व कर ली, उसी तरह राजस्थान की सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 90 से 100% या राजस्थान के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, प्राइवेट कंपनी में 75% नौकरियाँ स्थानीय जवानों को दी जाएंगी। इसके लिए कानून बनाए, किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले। बाजरा आधा पैदा करता है मेरा राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान का MSP 2400 रुपया के लगभग, और बाजरा 1200 से 1300 रुपये क्विंटल में बिक्रा होता है। हम भी डाल रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि किसान की संपूर्ण फसल को खरीदे और MSP के अलावा उसको एडिशनल उसको पेमेंट सरकार दे, रेट दे, ताकि उसकी दशा सुधर सके। किसान को बिजली पानी और खाद निःशुल्क मुहैया कराए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। हमने जैसे बहरोड़ से एक मुहिम चालू की है कि जो भी रिश्वतखोर की शिकायत करेगा उसको 51,000 का नगद इनाम दिया जाता है, तो निर्दलीय शुरू कर सकता है। तो सरकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है। प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालयों पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करें सरकार, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे और इसी तरह के थर्ड ग्रेड टीचर है उनके ट्रांसफर खोले, डिस्कॉम वालों के इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर करें, CHA के साथी हैं उनकी नौकरी बहाली करें, विद्यार्थी मर्द जो मित्र हैं उनकी मांगों को पूरा करें। इन्हीं सब 14 सूत्री मांगों को लेके आज मैं मुंडावर की धरती पाया। मेरे मुंडावर की 36 कौम की जनता का जो जन सैलाब, युवाओं का सैलाब जो यहाँ सड़कों पर देखने को मिला, ये निश्चित रूप से सरकार को सीरियस लेना चाहिए। इस जो उत्साही जो सैलाब है उसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी अलवर के अंदर सम्मेलन हुआ भाजपा का, बड़े बड़े नेता आए लेकिन कुर्सियां खाली रही, कांग्रेस की रैली हुई कुर्सियां खाली रही, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल का आ रहे हैं, प्रदेश के बड़े से बड़े आ रहे हैं और भीड़ नहीं जुट रही है। लोग दावा करते हैं 50,000 भीड़ लाने का, लेकिन 500 की भीड़ आनी आती मुश्किल से, तो जीमन करते हैं तो भी भीड़ नहीं आती है। और यहाँ इस फसल कटाई में एग्जाम के टाइम में निस्वार्थ भाव से इतना जन सैलाब हर जगह उग रहा है। 189 विधानसभा में जन सैलाब उमड़ रहा है, 169 में तो मैं जीवन में पहली बार गया हूँ फिर भी इतना सैलाब उमड़ रहा है। इसका मतलब जवान के सीने में आग लगी हुई है, किसान के सीने में आग लगी हुई है और इस आग को सरकार पहचाने। यही करें विधायक साहब, अगर आप क्या करेंगे अभी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है।